स्वागत है दोस्तों, फिर से एक बार आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज है हमारे पास बजाज की विक्रांत बाइक। तो दोस्तों इसमें वायरिंग का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, इसके फ्यूज़ दोस्तों बार बार उड़ रहे हैं और वायरिंग दोस्तों शॉर्ट है। तो दोस्तों हमने यहाँ से इसके गर्दन में से वायरिंग जो है हमने फाड़ दी, आप देख सकते, ये देख सकते, ये सब जला हुआ है। तो दोस्तों इसे हमें सही करना है और ये सब मीटर वगैरह हमें चालू करना है। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसका आगे का पैनल वगैरह सब उतार के ले लेता हूँ, इसे फाड़ता हूँ और कैसे पैचिंग करना है, कौन सी तार को कैसे ज्वाइन करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये जो यहाँ पे दोस्तों जो वायर जले हुए हैं दोस्तों, आगे तक गई हुई है, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत डेंजर कंडीशन है। और ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें भी दोस्तों बहुत प्रॉब्लम होती है ये सब दोस्तों पैचिंग करने, ये दिखता उतना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, मैं इसे कर देता हूँ। और ये सब दोस्तों लाइनें मुझे एक 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 तार करके ज्वाइन करनी है, तो फटाफट से दोस्तों इसे ज्वाइन करने की प्रोसेसिंग जो है वो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं ये मीटर है दोस्तों उसका, उसी गाड़ी का है, विक्रांत का। इसे दोस्तों हमने अच्छी तरीके से टेपिंग कर दिया है, देखिए एक्स्ट्रा वायर्स लगा के, ये देख सकते ये जले हुए वायर्स है। अभी दोस्तों इसे अच्छी तरीके से और पैक करते हैं फटाफट से। तो ये देखिए हमने अच्छी तरीके से इसे टेपिंग कर दिया है। और दोस्तों हम बाइक की वायरिंग है उसे भी दोस्तों इसी तरह कट करके टेपिंग कर देंगे, वायर से एक्सटेंड कर देंगे। तो दोस्तों फटाफट से एक्सटेंड कर लेते हैं और फिर आपको बता। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वायरिंग का काम जो है दोस्तों वो हमने कर दिया है, इसे अच्छी तरीके से टेपिंग कर दिया है और इसे एक्स्ट्रा वायर्स लगा के इसे एक्सटेंड कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट फ्यूज का कनेक्शन जो है वो लगा के देखेंगे, इग्निशन में लाइट आती है, ये देखिए दोस्तों लाइट तो आ गई दोस्तों। अभी दोस्तों हमें क्या करना है, अभी हम इंडिकेटर वगैरह जला के देखते हैं, उसके बाद पार्किंग लाइट्स और हेडलैम्प भी चेक करेंगे दोस्तों जलता है नहीं। अभी दोस्तों इसके इंडिकेटर सबसे पहले चेक करते हैं और दोस्तों बाकी की जो वायरिंग है वो हमने एक्सटेंड करके कर दी है। ये देखिए दोस्तों इसके इंडिकेटर तो जल रहे हैं, ये देखिए फ्रंट भी और बैक भी, और ये देखिए राइट साइड का भी जल रहा है, ये देखिए बैक साइड का भी जल रहा है दोस्तों, नो प्रॉब्लम। वायरिंग तो हमने पैचिंग कर दिया है दोस्तों अच्छी तरीके से, परफेक्ट एकदम। लेकिन दोस्तों इसे पूरी फिट करने के पहले एक बार हम इसकी हेडलाइट और ये जो आगे के पार्किंग बल्ब्स है दोस्तों, ये जलते या नहीं ये हम चेक करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी हेडलैम्प जो है वो डायरेक्ट है दोस्तों, इसे कोई स्विच वगैरह नहीं, ये ऑटोमेटिकली काम करता है। इसका एक यूनिट है दोस्तों, वह मैं आपको यूनिट बताऊँगा। लेकिन दोस्तों इसका एक पार्किंग बल्ब अभी जल नहीं रहा था, मैंने इसे चेंज कर दिया है, अभी तक मैंने चेक नहीं किया है चालू हो रहा है नहीं, लेकिन हम स्विच ऑन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये दोनों जल गए, ये देखिए। अभी दोस्तों हम किक मार के देखते हैं इसके आगे का हेडलैम्प जलता है नहीं, ये देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों, तो जल तो रही है, अभी स्टार्ट नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसके कार्बोरेटर का तेल खत्म होगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये जल रही है, मतलब ये भी हमारा काम हो रहा है, मतलब दोस्तों हमारा वायरिंग का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिए दोस्तों कहीं ये फूट ना जाए, फटाफट से इसे पूरी तरीके से जोड़ देते, उसके बाद ये दोनों फ्यूज लगा के दोस्तों हम थोड़ा रनिंग करके देखेंगे बाइक बंद होती है, फ्यूज उड़ता है या फिर वायरिंग गर्म होती है या नहीं। तो देख सकते हैं यही वो बाइक है जिसका दोस्तों हमने वायरिंग का ये किया था दोस्तों। दोस्तों इसमें एक्चुअल में क्या था दोस्तों, ये इग्निशन ऑन करने के बाद यहाँ से दोस्तों पूरा धुआं धुआं आ रहा था और ये सब वायरें जल गई थी। तो दोस्तों अभी हमने देख सकते हैं इग्निशन ऑन किया हुआ है, अभी तक तो दोस्तों कोई धुआं वगैरह नहीं है, लेकिन दोस्तों जैसे ही हम उस वक्त दोस्तों स्विच ऑन करते हैं वैसे ही दोस्तों यहाँ से धुआं आने लगता था। सॉरी दोस्तों हम आपको दिखा नहीं पाए, और दोस्तों यहाँ से ये धुआं जैसे ही आता था वैसे ही दोस्तों यहाँ पर फ्यूज़ उड़ जाता था।
दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कोई भी अब इशू नहीं है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग सब इसका चालू है। ये देखिए अभी मैं दोस्तों आपको लाइट ऑन करके बताता हूँ कि चार्ज स्टार्ट करके बाइक को, ये देखिए क्या दोस्तों बाइक हमारी स्टार्ट है। तो दोस्तों हमारा काम प्रॉपरली हो गया है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।